हमारे ज़िले में, हमारे गांवों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छे कॉलेजों की व्यवस्था हो, टेक्निकल कॉलेजों की व्यवस्था हो, तो हमारे यहाँ के बच्चे, और वैसे भी बस्ती जो है ये विद्वानों का ही गढ़ रहा है। जैसा कि अभी बस्ती ज़िले की स्थिति यह है कि एक भी वेंटिलेटर बस्ती ज़िले के किसी भी सरकारी तंत्र में नहीं है, चाहे हम मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, चाहे जिला चिकित्सालय की बात कर लें, या CSC PSC की बात कर लें। और शिक्षा का स्तर भी बस्ती ज़िले का, स्थिति यह है कि अभी भी बस्ती ज़िले में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, जिससे कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो तेज़ी से बढ़ पाएँ। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसमें हम जनता के उन मुद्दों को दिखाते हैं जो देश और जनहित में हो। आज मेरे साथ बस्ती ज़िले के बस्ती सदर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन जी हैं, युवा नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी आलोक जी, आपका बहुत बहुत आईपा में धन्यवाद। जी सर, आईपा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे जैसे युवा को आज अवसर दिया और प्लेटफार्म दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा हैं, आपकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, आप राजनीति में अभी पढ़ने की उम्र और आगे बढ़ने की और राजनीति में क्यों आए? जी सर, जैसा कि आपने कहा, पहली चीज़ तो पढ़ने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती, आदमी हमेशा सीखता ही रहता है अंतकाल तक, वो जब तक यहाँ आया है और जब तक रहेगा वो सीखता है और पढ़ता ही रहता है। हमको ये प्लेटफार्म चुनना पड़ा क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा कहीं ना कहीं से, चाहे नीतियों से या फिर जो यहाँ के लोग हैं उनसे, हम लोगों को कई तरह की, हम लोग करने को तो समाज सेवा का काम कर ही रहे लेकिन उसको विस्तार नहीं दे सकते। अगर हमारे हाथ में मजबूती होगी तो हम मजबूती से लोगों का सहयोग भी कर पाएंगे और लोगों के साथ खड़े भी हो पाएंगे। और आज जो शिक्षा का स्तर है, जो स्वास्थ्य का स्तर है, उसको हम तभी बढ़ावा दे सकते हैं जब हम कहीं ना कहीं से राजनीति से जुड़े होंगे। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना था तो हम लोग बहुत चाह के भी कुछ सीमित लोगों की ही सेवा कर पाए। अगर हमारे पास संसाधन होते तो हम उसको और विस्तार रूप दे पाते हैं। जैसा कि अभी बस्ती ज़िले की स्थिति यह है कि एक भी वेंटिलेटर बस्ती ज़िले के किसी भी सरकारी तंत्र में नहीं है, चाहे हम मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, चाहे जिला चिकित्सालय की बात कर लें, या CSC PSC की बात कर लें। और शिक्षा का स्तर भी बस्ती ज़िले का, स्थिति यह है कि अभी भी बस्ती ज़िले में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, जिससे कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो तेज़ी से बढ़ पाएँ। और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं कि उनको प्लेटफार्म नहीं मिल पाता, और जब प्लेटफार्म नहीं मिल पाता तो उनके अंदर वो योग्यता होते हुए भी वो उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते जो टैलेंट उनके अंदर होता है या जहाँ पे उनको होना चाहिए। क्योंकि गांव से भी शहर पहुँचने के लिए हमको रास्ते की ज़रूरत है, और अगर उस रास्ते में पहुंचने के लिए हमको बहुत सारे संसाधन की ज़रूरत होती है, और जो संसाधन हमारे पास होने चाहिए एक्चुअल में वो संसाधन नहीं है। हमारे कहने का अर्थ है विद्यालय, स्कूल, कॉलेज। और अगर हमारे पास, हमारे ज़िले में, हमारे गांवों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छे कॉलेजों की व्यवस्था हो, टेक्निकल कॉलेजों की व्यवस्था हो, तो हमारे यहाँ के बच्चे, और वैसे भी बस्ती जो है ये विद्वानों का ही गढ़ रहा है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर के, और ये गौतम बुद्ध जी की धरती है जिसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। हिंदुस्तान ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया और इस धरती ने, जहाँ पे आज हम खड़े हैं, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष या भगवान को, कि आज पूरे विश्व में जब किसी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले गौतम बुद्ध जी का नाम आता है। तो यहाँ पे किसी भी टैलेंट की कमी नहीं रही और ना ही किसी व्यक्तित्व की कमी रही, लेकिन कहीं ना कहीं से प्लेटफार्म ना मिल पाने के कारण आज हमारे जो युवा हैं, हमारे लोग हैं, वो पीछे रह जा रहे हैं। अच्छा, आप जनता के बीच में जाते हैं और बस्ती जनपद, बस्ती विधानसभा सीट के मुख्य जो मार्ग हैं या अन्य क्या समस्या इस जनपद में सबसे बड़ी है? आज बस्ती के जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे आपने रोड की बात की, मार्ग की बात की, तो बस्ती शहर में जाने के लिए कई ऐसे मार्ग हैं जहाँ पे ओवर ब्रिज की ज़रूरत है, लेकिन जो भी कमी रही हो, आज तक बस्ती ज़िले के जो मेन हाईवे हैं और जो हमारे कई ऐसे ब्लॉक हैं और कई ऐसे तहसील हैं जो मुख्य मार्ग से बस्ती शहर को जोड़ती हैं, वहाँ पे आज हमको ऐसे पुल की ज़रूरत है, ऐसे ओवर ब्रिज की ज़रूरत है जो कि नहीं है। उदाहरण तौर पे हम बात करें तो पुरानी बस्ती रेलवे स्टेशन में कभी कभी दो दो घंटे लोगों को फंसे रहना पड़ता है। दोनों तरफ हमें ओवर ब्रिज की ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट या उसके पहले गवर्नमेंट, जो बहन जी का बनाया हुआ रोड था वही रोड आज भी है, वहाँ कोई ओवर ब्रिज नहीं बन पाया, जो कि जनता वहाँ की मांग भी की और प्रस्ताव भी कई बार हुए, लेकिन बन नहीं, ना तो किसान की सुनवाई है और ना जवान की सुनवाई है। आपने जैसे कहा गन्ना का मुद्दा, तो जब बहन जी की सरकार बनी थी तो बहन जी ने सीधे 125 रुपए से 250, जस्ट डबल, दूना आय करने, किसानों का दूना आय करने का काम किया था। वहीं पे दूसरी सरकार बनी, वो मात्र 5 साल में केवल और केवल 50 रुपए का आता है, और उसके बाद अभी जो आपकी वर्तमान सरकार है वो तो एकदम फेल रही। 5 साल में जहां महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई, माचिस की डिब्बी जो 25-50 पैसे की होती थी आज 2-2.5 रुपए की हो गई, लेकिन किसानों का जो गन्ना है उसमें केवल और केवल 25 रुपए की, जब आप आंकड़ा देखेंगे तो महंगाई 4 गुनी बढ़ी, लेकिन किसानों की आय जो है वो पॉइंट में बढ़ी। तो अगर बहन जी की सरकार बनती है, हमको आशीर्वाद मिलता है, तो फिर हम पूरा कोशिश करेंगे कि किसानों की आय 2 गुनी की जाए। और जहां तक रही गन्ना मिल की बात, वहां पे भुगतान भी होगा और मिल भी चलेगी। आपने कहा किसानों की आय 2 गुना, इस समय गेहूं की फसलें हैं, किसान परेशान है। जी, गेहूं की फसलें हैं सर, लेकिन आज जो किसानों की स्थिति है छुट्टा पशुओं के कारण, हम तो गांव-गांव जा रहे हैं, सबसे पहले किसानों की मांग यही है कि सर इनकी कुछ व्यवस्था, और उस पर भी जो गौशालाएँ बने, पूर्णतः गवर्नमेंट फेल हो गई है, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई सुविधा है और ना ही वहाँ पे जानवर है, जो जानवर हैं वो भूख के कारण मरे जा रहे हैं, और किसान को इसलिए परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि हर खेत में आप अभी कैमरा घुमाएंगे तो 2-4 जानवर हर खेत में आपको नज़र आएंगे। तो ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आज हर आम जनता छुट्टा पशुओं से, जानवरों से इसलिए परेशान है क्योंकि वो अपनी पूरी मेहनत, इतनी सर्दी में भी वो, जहाँ पर हम लोग घर में रहना पसंद करते हैं, हीटर में और आग में पसंद करते हैं, वहीं पे किसान इतनी सर्दी में भी रात रात भर पानी चलाता है और अपने खेतों की सिंचाई करता है, मेड़ बांधता है, उसके बावजूद जब फसल तैयार होने की बात आती है तो फिर चाहे वो सांड के रूप में हो या और तमाम जानवर है, नीलगाय हो गई या जो छोटे सोरे हो गए, वन सोर जिनको कहते हैं, इस तरह से तमाम जानवर से किसानों को बहुत समस्याएं हो रही हैं, जिसको आज गवर्नमेंट को जानने को, देखने को ज़रूरत है। किसानों का आरोप है
कि वाल्टरगंज चीनी मिल बंद हो गया है और मेरा 42 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा। जी सर, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि आज मुंडरवा एक मिल को चालू करा के जहाँ गवर्नमेंट वाहवाही ले रही है, वहीं बस्ती की ही और बस्ती सदर में ही दूसरी मिल जो आपका वाल्टरगंज में है उसका करोड़ों रुपया बकाया है, कर्मचारियों का बकाया है, किसानों का बकाया है, जिससे आज किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। अभी कुछ दिन पहले हम उधर से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ किसान उसके चिमनी के ऊपर चढ़े हुए थे आत्महत्या करने के लिए, किसी तरह से उनको समझा बुझा करके नीचे उतारा गया, लेकिन धरना आज भी चालू है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट पूर्णतः फेल हो चुकी है और दूसरी तरफ जो हमारी धोली की मिल चल भी रही है लेकिन वहाँ एक भी रुपये का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे किसानों की स्थिति ये हो गई है कि उनके घर में ना तो शादियाँ हो पा रही, ना उनकी आर्थिक स्थिति चल पा रही है, ना ही उनका जो डेली का रूटीन है वो चल पा रहा है। कहीं ना कहीं से किसान आज आत्महत्या करने को तैयार है। अगर हम रोजगार की बात करें तो मौजूदा सरकार यह दावा करती है कि भारी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया गया। जी सर, रोजगारों की अगर बात की जाए तो जितने रोजगार बहन जी के सरकार में 5 सालों में दिया गया, उतनी रोजगार आजकल आज की मौजूदा गवर्नमेंट या उसके पहले गवर्नमेंट कोई नहीं दे पाया। हमने कई बार बताया है और आज भी हम आपसे बताना चाहेंगे कि कोई हो सकता है घर छूटा हो लेकिन कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई कस्बा नहीं छूटा होगा कि जिस गांव से, जिस घर से नौकरियां ना बहन जी दी हो, चाहे वो सफाई कर्मी के रूप में हो, चाहे बैकलॉग के रूप में हो, चाहे कांस्टेबल के रूप में हो या स्वास्थ्य कर्मी के रूप में हो। सबसे बड़ी वैकेंसी 5 साल में बहन जी ने 7 लाख युवाओं को नौकरी दी थी और शिक्षा की धारा जो बहन जी ने शुरू किया था, चाहे वो टेक्निकल की बात कर लें, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की बात कर लें, बीटेक कॉलेजों की बात कर लें, मेडिकल कॉलेज की बात कर लें या फिर हाई स्कूल इंटर जो बेसिक होता है, उस समय में सबसे ज़्यादा कॉलेज खुले थे, स्कूल खुले थे और शिक्षा का स्तर जब आप ग्राफ उठा के देखेंगे तो बहन जी की सरकार में सबसे ज़्यादा शिक्षा को ऊपर ले गए थे। ये थे हमारे साथ बस्ती जिले के बस्ती विधानसभा सदर के डॉक्टर आलोक रंजन जी, बसपा प्रत्याशी। उन्होंने कहा बहन जी के विकास के दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और 2022 में बस्ती सीट पर बसपा का परचम लहराएगा। नमस्कार, आप लोग आईपा को आगे देखते रहिए। अमृतलाल बस्ती।